अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन में हम आज ठीक है वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है और किस लिए हम यूज़ करते हैं वेन डायग्राम को, और इसको वेन डायग्राम के क्यों कहते हैं, आज के लेक्चर में हम ये करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1.3 एक्सरसाइज है, ठीक है, और पेज नंबर 14 पे है। और ये जो बुक है ये क्लास एट का बुक है, ठीक है, जो हम क्लास सेवन में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम क्या है? इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल मीन पिक्चर। किससे निकला है? पिक्चर से। जब किसी सेट को हम पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ड्राइंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी शेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि ये वेन डायग्राम है। अब ये जो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो ये जो सेट है ये हमने किस में रिप्रेजेंट किया है? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म है, तो इसको हम अगर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम। अब ये वेन, इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये एक मैथमेटिशियन था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था जॉन वेन। क्या था? जॉन वेन था। और ये 1834 में पैदा हुआ और 1923 में क्या इसकी हुई, ये इसकी डेथ हुई। ठीक है, तो इसने अपने नाम के मुनासिबत से इस डायग्राम का नाम क्या रखा? वेन डायग्राम रखा। अब स्टूडेंट ज़रा देखें, मेरे पास एक दो सेट्स है, ठीक है, एक सेट है 1, 2, 3, और स्टूडेंट्स मेरे पास दूसरा जो सेट है वो है 3, 4, 5। ठीक है, तो दो सेट हैं, तो यहाँ पर हम दो सर्कल्स ड्रा करेंगे, लेकिन सर्कल आपने किस तरह ड्रा करने हैं? इसी तरह ड्रा करने हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स देखें, ये आपने दो सर्कल ड्रा किए। अब अगर इसमें हम देखें, ये जो बाहर का हिस्सा है ये वाला, इसको हम यूनिवर्सल सेट्स के लिए क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये जो बाहर का हिस्सा है, ये सारा क्या है? ये सारा जो डायग्राम है क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। अब ये जो दो दायरे हैं, इसको एक को हम कहते हैं ए और दूसरे को हम क्या कहते हैं? बी। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, ये जो दो दायरे हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपेंगे। ठीक है, मतलब ये जो दरमियान वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है जो ए का भी है और बी का भी है। मतलब ये जो हिस्सा है, ये वाला दरमियान वाला, ये कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस दरमियान वाले नंबर हिस्से में कॉमन लिखना है। तो देखिए 1, 2, 3 और 3, 4, 5, तो इन दोनों में ये जो 3 हैं ये क्या है? ये कॉमन है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब 3 के अलावा ए में कौन से नंबर है? 1, 2 है, तो ये 1, 2 आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो 1, 2, 3 ये ए के ए में हो गए। ठीक है, और बी में 3 के अलावा कौन से नंबर, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हमने लिखा है, तो बी में 3 के अलावा है 4, 5, तो ये देखिए 4, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि एक और बी का हम क्या करते हैं? यूनियन निकालते हैं। तो ए 1, 2, 3 है और बी क्या है? यूनियन 3, 4, 5। तो हम जानते हैं कि यूनियन में हम इन दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या आया? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, इसको शेड कर ले, तो 1 को भी शेड कर ले, 2 को भी शेड कर ले, 3 को भी शेड कर ले, 4 को भी शेड कर ले और 5 को भी शेड कर ले। तो ये आपका ये जो शेडेड एरिया है ये आपका क्या बनेगा? ये यूनियन बनेगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसकी हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स, 3 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, ये करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें काम है। और फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, तो इतना मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। तब तक के लिए जाना चाहते हैं, खुदा हाफिज़।